हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक वंस। सिंपली गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले कि आप लोग IDFC फर्स्ट बैंक की मर्चेंट आईडी यानी कि CSP पॉइंट कैसे ले सकते हैं अपने घर पे बैठ के इजी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए मैंने वीडियो डाली थी, बट वहां पे आप लोगों को कुछ लोगों को मिल पाई है, कुछ को नहीं मिल पाई है। जिनको नहीं मिल पाई है और जिनसे अप्लाई नहीं हो पाया, उनका एक ही कंडीशन था कि गाइस उन्होंने वीडियो एंड तक नहीं देखी, बिल्कुल सही तरीके से चीजों को नहीं समझा, इसलिए उनको समझ में नहीं आया और उन्होंने रॉन्ग कमेंट किए वहां पे। जिनको मिली गाइस उन्होंने थैंक यू भी बोला और अच्छे कमेंट भी किए। तो गाइस, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि IDFC फर्स्ट बैंक का आप CSP पॉइंट यानी मर्चेंट आईडी कैसे ले सकते हैं यहां से ऑनलाइन तरीके से अपने घर पे बैठ के। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, उसकी एलिजिबिलिटी को जानना है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, आपके एरिया में वो मिल सकता है नहीं मिल सकता, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे आप लोगों से इस वीडियो के अंदर। प्लीज वीडियो को एंड तक देख लेना। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप लोग चैनल पर नए आए प्लीज तो टेक वंस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, फॉलो करें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बैंकिंग CSP CSC एंड आधार अपडेट से रिलेटेड टोटल वीडियोस आप लोगों को यहां पे मिल जाएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट पर आ जाते हैं यहां पे IDFC फर्स्ट बैंक की पे, बट गाइस यहां पे पूरा वेबसाइट अगर आप लोग छानेंगे और जानेंगे तो इसमें आप लोगों को कहीं पे भी CSP अप्लाई करने के लिए कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया गया, यानी कि बैंक द्वारा डायरेक्टली CSP आप लोग नहीं ले सकते। अगर किसी का कॉन्टैक्ट है मैनेजर से या फिर किसी का कॉन्टैक्ट है ब्रांच के हेडमास्टर से, तो गाइस वो जरूर वहां पे इस CSP को डायरेक्ट बैंक से ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को किसी थर्ड पार्टी से ही यहाँ पे CSP को लेना पड़ेगा। गाइस, बैंक का काम थर्ड पार्टी को सौंप दिया गया है, तो थर्ड पार्टी कोई बहुत सारी जगह से आप लोगों को CSP प्रोवाइड कराती है, तो वैसे ही एक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। गाइस, तो आप लोगों को क्या करना, सिंपली गाइस ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वेबसाइट का। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि नकली टकम धोखेबाज से सावधान रहना, एंटी फ्रॉड डिस्क्लेमर आप लोगों को दिया गया, इसको क्रॉस कर देंगे। गाइज, ये संजीवनी VF.org, सिंपली यहाँ से आप लोग CSP को ले सकते हैं इजी तरीके से। आपको लेना किस तरीके से वो आपको बता देता हूँ। उससे पहले गाइज आपको दिया गया यहाँ पे अबाउट क्योस बैंक यानी ग्राहक सेवा केंद्र, अबाउट संजीवनी यानी कि वेबसाइट के बारे में दिया गया, इमेज गैलरी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से कई सारे लोगों को CSP प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोगों को भी यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए CSP रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं एक न्यू इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। अब गाइस आपको ध्यान देने वाली बात यहीं पे है, ध्यान पूर्वक आप लोगों को चीजें समझना है तो तभी जाके आप लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी बता देते हैं आप लोगों को, CSP के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास में होना चाहिए। उम्र आपकी कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, मैट्रिक या उससे अधिक पढ़े लिखे होने चाहिए, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, कार्य में कुछ पूंजी लगाने की क्षमता आपके पास में होना चाहिए, जिम्मेदार कर्मठ एंड बेरोजगार व्यक्ति आपको होना चाहिए। इसके अलावा आपके एरिया में कोई CSP स्कोर ऑलरेडी नहीं होना चाहिए, एंड दूसरी बात आपके पास में लैपटॉप कंप्यूटर और एक शॉप होना चाहिए, फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस एंड फोटोकॉपी मशीन वगैरह स्कैनर मशीन वगैरह आप लोगों के पास में होना चाहिए, तब जाके आप इसे ले सकते हैं। अब गाइस आपको बता दें क्या क्या चीजें इसके अंदर मिलती हैं, तो आप लोगों को वार्ड एज द रिटेलर गेट दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। आप लोगों के सामने दिया गया एसोसिएट विद बैंक्स लाइक SBI, PNB, MBBG, तो सिंपली आप लोगों को बता देते हैं बैंक्स सॉफ्टवेयर पोर्टल एंड ऑथराइज सर्टिफिकेट ऑफ CSP, बहुत सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें आप लोग इससे अकाउंट ओपन कर सकते हो, एप्स कर सकते हो, यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम यानी कि आधार से लेन देन कर सकते हो, पैसे का रिचार्ज मोबाइल बिल पेमेंट वगैरह आप लोग इससे कर सकते हो, यानी कि आप लोग अपने घर पे बैठ के एक CSP ओपन करेंगे तो आप लोग IDFC बैंक के साथ में एक स्मॉल टाउन बिजनेस स्टार्ट करेंगे और IDFC फर्स्ट बैंक के कस्टमर को अपने घर पे बैठ के ही पूरा बैंकिंग का सुविधा प्रोवाइड करेंगे। अब अप्लाई कैसे करना आपको ध्यानपूर्वक देख लेना, अप्लाई फॉर CSP लिख क्या रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन होगा। गाइस, इस फॉर्म को भरने से पहले ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, आप लोग फॉर्म किस तरह से भरना है, कैसे कैसे भरना है, क्या क्या चीजें किस तरह से डालना है, वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये इजी लगता है पर लोग यहीं पे गलती करते हैं, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले नाम आपको वो डालना है जो आपके आधार कार्ड में है, उसके बाद में मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है, इसके बाद में एक वैलिड ईमेल एड्रेस आपके पास में ऑल टाइम होना चाहिए, इसके बाद में आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, इसके बाद में सिटी लिख देना, तो सिटी आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, इसके बाद में जो भी आपका प्लेस है आपने प्लेस यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, क्वेरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेरी आप लोगों को क्या भरना है, आई नीड ए IDFC फर्स्ट बैंक CSP
पॉइंट प्लीज कॉन्टैक्ट अर्जेंटली। सिंपली आप लोगों ने ये भर दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे सबमिट कर देना। तो जैसे आप लोग इसे सबमिट पे क्लिक करते हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है। कहीं अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से सबमिट हो जाएगी। आपका जो आपने डिटेल्स भरी है वो डायरेक्टली sanjeevivf.org वेबसाइट के कस्टमर केयर के पास पहुंच जाएगा। आप लोगों से कॉन्टेक्ट किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर या फिर आपके ईमेल एड्रेस पर। सिंपली आप लोगों ऑल टाइम यहाँ पे स्टार्ट रखना है इसको, यानी कि चालू रखना। 7 डेज में आप लोगों के पास में कॉन्टेक्ट आ जाएगा। मैक्सिमम 15 डेज आपके लग सकते हैं। उसके अलावा गाइज अगर आपके पास में कॉन्टेक्ट नहीं आता तो आपको वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस में जाना है। जाने के बाद में आप लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से। यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, इसके अलावा आप लोग हेडक्वार्टर्स के नंबर दिए गए। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे अपनी स्टेट वाइज सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे मध्य प्रदेश के कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आपको ये दिए गए 3 कॉन्टैक्ट अलग अलग तरीके से दिए गए। आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिक्वेस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हो और डायरेक्टली CSP भी ले सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने के बाद में। गाइज आप पहले रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। आप लोगों को CSP प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आप लोग उसके लिए एलिजिबल है तो। गाइज इस तरीके से आप लोग CSP लेके अपने स्मॉल टाउन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट बैंक भी कमीशन देगा, उसके बाद में ग्राहक से आप रिलायबल चार्ज वसूल सकते हैं उस चीज का जो आपने काम करके दिया। इस तरीके से IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसने के कस्टमरों को सारी सुविधा अपने घर पे बैठ के प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे जानकारी आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसको ओपन करें और अपने स्मॉल टाउन बिजनेस स्टार्ट करें। कमेंट करिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस अपडेट। मिलेंगे को नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।